देश के तमाम मुख्य खानकाहों के शहजादा खान का इस सम्मेलन में एक साथ मौजूद होना अपने आप में एक ऐतिहासिक मंजर था। इतिहास में पहली बार नागपुर के किसी सम्मेलन में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान से तीन शहजादे उपस्थित हुए। इस तीन दिवसीय भव्य अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक सुन्नी इज्तिमा के ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने के लिए योगदान करने पर मुख्य आयोजक मुफ्ती मुज्तबा शरीफ खान साहब और समस्त कमेटी के सदस्यों ने जनाब प्यारे खान साहब, ताजबाग दरगाह ट्रस्ट, दरगाह खादिम ट्रस्ट, नागपुर महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन, यातायात पुलिस विभाग, जनाब अफजल मिट्टी साहब, ओरियंट ग्रुप ऑफ होटल्स, नूरी महफिल, फैजान ताजुल औलिया तंजीम, खिदमत फाउंडेशन, श्याम डेकोरेशन, बाबा ताज रोटी बैंक, ताज का लंगर, दावते इस्लामी, एहसास फाउंडेशन, दोस्ती फाउंडेशन, मिशन नामों से रिसालत, आशिकाने इमाम हुसैन कमेटी, असरा फाउंडेशन, जनाब शकील भाई, जनाब शाकिर भाई, जनाब अहमद राजा भाई, जनाब अमान भाई, जनाब इरशाद भाई, जनाब इसहाक मंसूरी भाई, जनाब इलियास भाई, जनाब बादशाह भाई, जनाब अब्दुल वहीद भाई, जनाब शारिक भाई ट्रेवल डोम, जनाब पप्पू भाई तथा सभी सहायकर्ताओं का विनम्र अभिवादन व्यक्त करते हुए धन्यवाद अदा किया। सम्मेलन का समापन सलात व सलाम के बाद मुल्क की तरक्की तथा विश्व शांति की दुआ के साथ संपन्न हुआ। इतने सारे अहले बैत अतहार को अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा कर दिया और कसम खुदा की एक अल्लाह के रसूल की आल का एक फर्द भी अगर किसी महफिल में पहुंच जाए तो वो महफिल कबूल हो जाएगा। और आज तो पूरी लाइन है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ यही नहीं कि किछोछा शरीफ के सादात है, जाय शरीफ के सादात है, न जाने कहां कहां के सादात को अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पर इकट्ठा कर दिया। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह ताला इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से जो अल्लामा फैज साहब ने फरमाया बिल्कुल बात हकीकत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बाबा ताजुद्दीन औलिया के फैजान से इस नागपुर की सरजमीन पर यह तारीखी काम हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ के मशायख भी मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ देर में आप देखेंगे कि छोटा शरीफ के मशायख भी मौजूद होंगे बल्कि हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी खानकाहों के मशायख को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। ये कोई मामूली काम नहीं है, हालांकि कोशिशें लोग करते रहे, शेर पसंद अनासिर जो है उनका काम करना वो करते रहे, लेकिन हजरात ग्रामीण जिसकी नियत में सच्चाई होती है अल्लाह उसे कामयाब फरमा देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करूंगा जिस हवाले से आज ये प्रोग्राम रखा गया, क्योंकि बात अहले बैत अतहार की है और एक रिवायत और नजर से बुरी कि जो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को अपने सीने में बसाएगा अल्लाह उस बंदे को अगर वो गुनहगार सियाकार भी होगा तो अल्लाह मरने से पहले उस बंदे को तौबा की तौफीक अता फरमाएगा, यानी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि वो अपने गुनाहों से तौबा कर लेगा, अहले बैत अतहार की मोहब्बत का ये फायदा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी की आल से मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत अतहार के चाहने और मानने वाले हैं और अकीदे अहले सुन्नत वल जमात अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नजर है और नाम है हजरत रसूलुल्लाह। ब्यूरो रिपोर्ट, रूपा पंडित।